बीसीसीआई और आईसीसी के बीच बिग थ्री मॉडल को लेकर चले आ रहे विवाद के कारण दर्शकों के मन में अभी तक एक सवाल गूंज रहा है कि क्या टीम इंडिया इस साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होगी या नहीं। इस तरह आईसीसी पर भारी पड़ सकती है बीसीसीआई। बीसीसीआई अगर चैंपियंस ट्रॉफी से नाम वापस लेता है तो केवल ब्रॉडकास्टर ही नहीं बल्कि खुद बीसीसीआई को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और ऐसे में बीसीसीआई के पास अपनी साख बचाने का जो एकमात्र रास्ता बचता है वो है स्टार खिलाड़ियों को चैंपियंस ट्रॉफी में न भेजकर दूसरे दर्जे की टीम इंडिया को इस बड़े टूर्नामेंट में भेज दिया जाए। अगर बीसीसीआई ऐसा करता है तो वो आईसीसी को एक करार जवाब नियमों के दायरे में रहते हुए दे सकता है, क्योंकि टीम भेजते ही आईसीसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर टीम न भेजने का सवाल नहीं उठा सकता। और अगर विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और रोहित शर्मा जैसे स्टार खिलाड़ी इस बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आईसीसी को दर्शकों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है और इस सबका पूरा खामियाजा भी आईसीसी को ही भुगतना पड़ेगा। टूर्नामेंट की रेटिंग हो सकती है कम। बीसीसीआई आईसीसी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2007 के विश्व कप में देखने को मिला था, जब भारत ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया था और उसके बाद विश्व कप की रेटिंग काफी कम रही थी और ब्रॉडकास्ट को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। बीसीसीआई घरेलू क्रिकेट में अच्छा करने वाले खिलाड़ियों को मौका देता है तो उसे भी क्रिकेट फैंस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प रहने वाला है कि बीसीसीआई इतना बड़ा जोखिम उठाएगा या नहीं।